2020 के शुरुआती महीनों में दुनिया भर में कोविड फैलना शुरू हुआ और इसी साल दिसंबर तक दो कंपनियों ने कोविड वैक्सीन बना ली। आमतौर पर इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हो पाती, लेकिन कुछ ही महीनों में कोविड वैक्सीन तैयार हुई और इनसे लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने का दावा किया गया। इन वैक्सीन के जल्दी तैयार होने के पीछे एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जिससे ये मुमकिन हो पाया। कोविड में सबसे पहले तैयार होने वाली वैक्सीन थी mRNA वैक्सीन और इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण काम के लिए दो वैज्ञानिकों को साल 2023 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मिला। यहां ये साफ करना जरूरी है कि mRNA वैक्सीन बनाने वालों को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है, बल्कि इन वैक्सीन के बनने में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, उस अड़चन को हटाने के लिए इन वैज्ञानिकों ने सार्थक प्रयास किए और ये उन्होंने 15-20 साल पहले किया, तब जब इनके काम की इंपॉर्टेंस ज्यादा लोगों को नहीं पता थी और इसलिए इन्हें लगातार इस काम के लिए डिस्करेज किया गया। इन mRNA वैक्सीन्स बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है और इस टेक्नोलॉजी का दायरा सिर्फ कोविड वैक्सीन्स तक सीमित नहीं है, भविष्य में संभावनाओं की लंबी सूची इसका इंतजार कर रही है। इससे बहुत कमाल की चीजें पॉसिबल होंगी, ये बहुत बाप चीज है, मतलब इसलिए इसको गहराई में समझना होगा। इस वीडियो में हम काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स से लेकर जटिल कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे, mRNA वैक्सीन्स के बनने की जबरदस्त कहानी जानेंगे और समझेंगे कि इसमें नोबेल विजेताओं की क्या भूमिका थी और ये भी पता कर लेंगे कि मेडिसिन के भविष्य के लिए इस खोज के क्या मायने हैं। जैविक दुनिया को देखने का एक नजरिया ये भी है कि ये दुनिया एक जंग का मैदान है। यहाँ हर जीव का अस्तित्व दूसरे के शोषण पर टिका हुआ है। जंगल में कई जीव जंतु दूसरे को खाने में लगे हैं और दूसरे जीव खुद को बचाने में लगे हैं। पृथ्वी पर जब से जीवन उपजा है तब से ये द्वंद्व चला आ रहा है। इस लड़ाई में हम मनुष्यों के पास एक एडवांटेज है, वो ये कि हमने अपने नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के अलावा आर्टिफिशियली भी कई टूल्स बनाते आए और इनसे अपनी रक्षा व भोजन का इंतजाम करते रहे। धीरे धीरे मनुष्य फूड चेन के शीर्ष पर जा पहुंचे, लेकिन इससे मनुष्यों की जान का खतरा नहीं टला। आज इस जैविक संग्राम में मनुष्यों के सबसे बड़े दुश्मन वो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब जिन्हें माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव कहते हैं। जंगल के शेर और भालुओं से फिर भी निपटा जा सकता है, लेकिन ये ना दिखाई देने वाले माइक्रोब्स कब किसे निशाना बना ले पता नहीं चलता। और मनुष्यों की सबसे बड़ी खूबी उनकी सामूहिकता, यानी एक दूसरे से जुड़े रहने की उनकी फितरत जो बाकी जानवरों से लड़ने में मदद करती है, वो इन सूक्ष्म जीवों के सामने सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि ये पैथोजेंस हमें ही ट्रोजन हॉर्स बनाकर हमारे दूसरे साथियों पर हमला करते हैं। मानवता के इतिहास में करोड़ों लोगों ने इन माइक्रोब से जूझते हुए अपनी जान गंवा दी और लंबे अरसे तक ये हमारी समझ से परे रहे। आज से 200 साल पहले इस युद्ध के डायनेमिक्स बदलने शुरू हुए, जब मनुष्यों ने अपने सबसे ताकतवर कवच को पहचाना और इसे मजबूत करने के तरीके ईजाद किए। इस ताकतवर कवच का नाम है इम्यून सिस्टम, शरीर का सुरक्षा तंत्र जो खतरनाक माइक्रोब से हमें बचाता है। और इस इम्यून सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली चीज का नाम है वैक्सीन, जिसका इस्तेमाल करीब 200 साल पहले शुरू हुआ। हमारे शरीर में छोटे माइक्रोब से लड़ने का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसे आप देश की सुरक्षा व्यवस्था की तरह समझिए, जिसमें कई पुलिस वाले, सिपाही और इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। इसे एक वायरल इन्फेक्शन के उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे काम करता है। जब भी शरीर में किसी वायरस की घुसपैठ होती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इन वायरसों को मारने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा दिया जाता है, जिसे हम फीवर या बुखार की तरह महसूस करते हैं। इन वायरसेस का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी जाती है, जिसे हम बलगम या कफ की तरह महसूस करते हैं, और फिर इनसे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा जाता है। ये सुरक्षा बल बी सेल्स या टी सेल्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के मुताबिक वायरस से लड़ाई करते हैं। इम्यून सिस्टम के इंटेलिजेंस नेटवर्क में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इस चीज की पहचान करते हैं कि घुसपैठिया वायरस किस तरह का है और उससे निपटने का सही तरीका क्या होगा। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम वायरस का सफाया कर देता है, लेकिन कई बार वायरस शरीर पर हावी हो जाता है। कुछ लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स बाकियों के मुकाबले बेहतर होता है। सब में इन्फेक्शन का लेवल अलग अलग होता है, कुछ वायरस ही बहुत मट्ठर और ढीठ किस्म के होते हैं, और फिर वायरल लोड कितना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये तय होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को हरा पाएगा या नहीं। लेकिन हमने सब कुछ नियति पर छोड़ने का फैसला नहीं किया। इस इम्यून सिस्टम की ताकत समझकर वैक्सीन्स का आविष्कार हुआ। इम्यून सिस्टम की एक खास बात यह है कि एक बार इसे वायरस या बैक्टीरिया का हुलिया मालूम हो जाए, फिर अगली बार वो उस वायरस से आसानी से लड़ लेता है। ये सुरक्षा बलों को पहले से इंटेलिजेंस इनपुट मिल जाने जैसा है। शुरुआत में जो वैक्सीन तैयार हुई वो दरअसल ओरिजिनल वायरस को डेड यानी मारकर या कमजोर करके बनाई गई। जब वायरस का ये कमजोर वर्जन लोगों के शरीर में डाला जाता तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स उस वायरस की पहचान कर लेता और वो वायरस शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाता। फिर बाद में जब उसी वायरस का ताकतवर वर्जन किसी इन्फेक्शन से शरीर में दोबारा
दाखिल होता तो उन्हें आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के इंटेलिजेंस के पास पहले से उसकी जानकारी थी। इस तरह की शुरुआती वैक्सीन को लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहा गया। एटीन्यूएशन मतलब कमजोर करना, जिन्हें असली वायरस को कमजोर या मारकर बनाया जाता था या उसके किसी हिस्से को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिक समझ में इजाफा हुआ और दूसरे तरह की वैक्सीन भी तैयार होने लगी। वो क्या समझ थी पहले अपन भी जान लेते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स यानी कोशिकाएं, ये छोटी छोटी बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज हैं। इनके भीतर हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व तैयार होते हैं। ये हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इसमें ये बाहर सेल्युलर वॉल होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हर चीज को सेल के भीतर दाखिल नहीं होने देती, सिर्फ काम की चीजें अंदर आती हैं और काम की चीजें बाहर आती हैं। लेकिन जब शरीर पर किसी वायरस का हमला होता है तो वायरस इस सेल वॉल को भेद लेते हैं और इसके अंदर की बायोलॉजिकल मशीनरी को हैक कर लेते हैं। और जब ये सेल्युलर मशीनरी वायरस के कब्जे में आ जाती है तो ये हमारे लिए काम करना बंद कर देती है और फिर इसका इस्तेमाल करके वायरस अपने जैसे और वायरस तैयार करते हैं। इस तरह दूसरों के सेल्स भेद कर वायरस उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं और अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को ये समझ आया कि वायरस हमारे सेल्स की दीवार को आखिर भेदते कैसे हैं। कोरोना वायरस के इस बाहरी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें जो कांटे टाइप के निकले होते हैं ना, इन्हें स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स के जरिए वायरस हमारे सेल्स में दाखिल होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन हमारी सेल वॉल को खोलने वाली चाबियां हैं और हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो भी वायरस की इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की पहचान करता है और इन्हीं के मुताबिक शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। एंटीबॉडीज यानी वो सैनिक जो वायरस से मुठभेड़ करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिक। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को ये आइडिया आया कि अगर वायरस की ये चाबी, ये स्पाइक प्रोटीन्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो क्यों ना इसके डुप्लीकेट बना लिए जाएं। लैब में इन स्पाइक प्रोटीन्स की नकल तैयार करके उन्हें शरीर में डाला जाएगा, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचने का रिस्क भी नहीं होगा जो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस में थोड़ा बहुत हो सकता है। और इन स्पाइक प्रोटीन्स की पहचान करके हमारा इम्यून सिस्टम इनकी एंटीबॉडीज भी तैयार कर लेगा। इस प्लान के तहत लैब्स में वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स की नकल करके वैक्सीन बनाई जाने लगी और इन वैक्सीन्स को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स कहते हैं। इसके अलावा और दूसरी तरह की वैक्सीन्स भी तैयार हुई, जैसे कि वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। इनके जरिए भी हमारे इम्यून सिस्टम को जो ओरिजिनल वायरस की स्पाइक प्रोटीन होती है, जो उसकी चाबी होती है, उसकी पहचान हो जाती है और शरीर को कोई नुकसान पहुंचने का रिस्क नहीं होता क्योंकि ये वेक्टर वायरस कमजोर होता है। ये तरीके पहले के मुकाबले बेहतर थे, लेकिन इन दोनों ही अप्रोच में एक बड़ी मुसीबत थी। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और वायरल वेक्टर, इन दोनों ही तरीकों से वैक्सीन बनाने में सेल कल्चर तैयार करना पड़ता है। सेल कल्चर यानी प्रयोगशालाओं में, लैब्स में सेल को तैयार करना, ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग और महंगी प्रोसेस होती है। इसलिए किसी नई महामारी के आने पर इस अप्रोच से वैक्सीन बनाने में बहुत समय लग जाता था और बहुत पैसा भी खर्च होता है। 20वीं सदी में साइंस की तरक्की के साथ वैक्सीन बनाने का एक क्रांतिकारी तरीका निकल कर आया, जिसके लिए 2023 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन इन वैक्सीन के बनने की कहानी सीधी नहीं है। इस कहानी की पेचीदगियां जानने से पहले हमें बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जो शायद आपको पता होंगे, शायद नहीं पता होंगे। समझ लेते हैं। हमें बेसिकली ये समझना है कि हमारे सेल्स में प्रोटीन कैसे बनते हैं, क्योंकि उसी मशीनरी को हैक करके आज की सबसे जबरदस्त वैक्सीन काम करती है। आप लोगों ने शायद डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा। डीएनए उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें हमारा जेनेटिक कोड दर्ज होता है। आपकी ऊंचाई, आंखों का रंग, नाक, नक्शा और बहुत कुछ आपके बॉडी में आपके जेनेटिक कोड से तय होता है। ये जेनेटिक कोड हमें अपने माता पिता से मिलता है। बहुत सारे जीवों की तरह मनुष्यों में ये जेनेटिक कोड एक डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल में दर्ज होता है, जिसे डीएनए कहते हैं। जैसे दो सांप लिपटे हों, इसे डबल हीलिक्स शेप कहते हैं, जो डीएनए का बेसिक शेप है। डीएनए का एक बिछड़ा भाई भी है जिसका नाम है आरएनए। कई वायरसों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में दर्ज होती है। जैसे डीएनए डबल हीलिक्स होता है, उसके ठीक उलट आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसमें दो सांप की जगह एक ही सांप अकेला होता है। लेकिन ये भी जेनेटिक कोड कैरी करता है और आरएनए सिर्फ वायरसेस में ही नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर में भी बहुत जगहों पर आरएनए काम आता है। डीएनए के साथ मिलकर आरएनए हमारे शरीर में बहुत जरूरी प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। ये कैसे होता है वो आगे समझेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि दोनों डीएनए और आरएनए लिविंग बींग्स में जेनेटिक कोड दर्ज करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। कमाल की बात यह है कि डीएनए और आरएनए में सारा जेनेटिक कोड सिर्फ चार बेसिस से मिलकर बना होता है। इन्हें न्यूक्लियोटाइड बेस कहते हैं। इन्हें आप कोडिंग लैंग्वेज के अक्षरों की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पूरी प्रोग्रामिंग की गई है। डीएनए में इन न्यूक्लियोटाइड बेस के चार अक्षर हैं, ए, सी, जी और टी। असल में ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नाम हैं, जिनके ये शॉर्ट फॉर्म है, ए, सी, जी और टी। और आरएनए की बनावट में टी की जगह यू ले लिया जाता है। यानी आरएनए में जिन चार न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल होता है वो हैं ए, सी, जी और यू। इनी तरह कुछ लेटर्स या न्यूक्लियोटाइड बेसिस में
आपका पूरा जेनेटिक कोड दर्ज होता है। इस जेनेटिक कोड के मुताबिक हमारे सेल्स जरूरी प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स शरीर के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें बनाने की रेसिपी हमारे डीएनए में दर्ज होती है। ये हमारे एक सेल का डायग्राम है, एक सेल का। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये न्यूक्लियस है अपना, देखो ये है ना, ये न्यूक्लियस है। और अपना जो डीएनए होता है, ह्यूमन जीनोम, ये सारा इस न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित रखा रहता है। और जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है, राइबोसोम जिसको बोलते हैं, ये यहाँ बाहर, यहाँ बहुत कुछ होता है, मैंने सब कुछ बनाया नहीं है, बहुत खिचड़ी मची होती है, उसमें एक छोटी खिचड़ी है राइबोसोम जिससे प्रोटीन बनते हैं। तो कोड प्रोटीन बनाने का यहाँ पे रखा है इसके अंदर, और प्रोटीन बनते यहाँ पे। और एक और बात यह है कि ये डीएनए बाहर नहीं आता न्यूक्लियस से, ये अंदर यहाँ पे बहुत सुरक्षित रखा जाता है। वैज्ञानिकों के सामने दशकों तक ये पहेली बनी रही कि यार ये अंदर बैठे डीएनए से यहाँ पे बाहर प्रोटीन बनता कैसे है। और कुछ दशकों पहले ये पता चला कि ये एक आरएनए के जरिए होता है। उस आरएनए को बोलते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए, उसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है अंदर, और फिर वो एमआरएनए बाहर आता है और वो यहाँ पे राइबोसोम में जाके बताता है कि अपन को ऐसे ऐसे प्रोटीन बनाने हैं, और उससे प्रोटीन बनते हैं। अब इसको एक छोटी सी एनालॉजी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसके पास 1000 GB की हार्ड ड्राइव है, बेहतरीन, उस पर खूब सारी मूवीज और पता नहीं क्या क्या भरा है। आपको उसमें से एक मूवी देखनी है। आपका दोस्त जो है वो बिल्कुल स्कूल टाइप का है कि नहीं भाई मैं अपनी हार्ड डिस्क नहीं दे सकता, तो आप करते हैं कि यार मेरी पेन ड्राइव ले ले। आप अपनी पेन ड्राइव दे देते हैं 16 GB की और बोलते हैं इससे मूवी डाल के दे देना, और बेहतरीन आप वो पेन ड्राइव में फिल्म लेके आते हैं, अपने घर पे टीवी पे लगा के उसको देख लेते हैं। इस एनालॉजी में जो दोस्त की हार्ड ड्राइव है 1000 GB वाली, वो है डीएनए जिसमें समूचा जेनेटिक कोड, जान जाते हैं कितनी कितनी मूवीज भरी हुई हैं। आपकी जो पेन ड्राइव है वो है एमआरएनए, जिसमें डीएनए का मतलब हार्ड ड्राइव पे एक छोटा सा हिस्सा कॉपी किया जा सकता है और उसको लाया जा सकता है अपने दोस्त की तिजोरी से बाहर। और आपका जो राइबोसोम हुआ, ये आपकी टीवी हुई जिसपे आप छोटी सी पेन ड्राइव से मूवी प्ले कर सकते हैं, और वो जो मूवी एक्चुअली में प्ले होगी, जिसके लिए ये सारी कवायत हो रही है, वो होगा प्रोटीन, जिसके लिए ये सारी लीला रची गई है। तो ये एक छोटी सी एनालॉजी है कि कैसे डीएनए से पहले, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर डीएनए से एमआरएनए बनना, और एमआरएनए के जरिए प्रोटीन्स का बनना, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। बायोलॉजी अगर आपने थोड़ी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो याद होगा। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि एक चीज़ होती है जिसमें सब कुछ स्टोर्ड होता है, उससे एक छोटा सा कोड बाहर आता है, उसके जरिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बनाई जाती है सेल्स के अंदर। ये प्रोसेस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन एमआरएनए वैक्सीन्स की कहानी पे आगे बढ़ सकते हैं। आपके बेसिक्स ठीक ठाक स्ट्रांग हो चुके हैं, बस आपको दो बातें यहाँ से याद रखनी है इस बायोलॉजी बेसिक्स वाले पार्ट से। एक तो ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो अक्षर छोटे छोटे जिनसे ये समूचा जेनेटिक कोड बना होता है, उनको न्यूक्लियोटाइड बेस कहते हैं, है ना। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अंततः एमआरएनए के जरिए ही प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए उस पूरी प्रोसेस का लास्ट की कॉम्पोनेंट है, जेनेटिक कंपोनेंट, जिसके जरिए प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है। और एक और बात जान लीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो आगे जहां भी न्यूक्लिक एसिड्स की बात आए तो समझ लीजिएगा एमआरएनए और डीएनए इनकी मिला के बात हो रही है, ठीक है। अब अपन एमआरएनए वैक्सीन्स की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। 1990s की शुरुआत में न्यूक्लिक एसिड पर आधारित वैक्सीन्स बनाने की दिशा में काम हुआ। इनके पीछे का आइडिया सिंपल था, अगर हमारी बॉडी में इन न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए आरएनए के जरिए प्रोटीन्स बनते हैं, तो क्यों ना हम इसी मशीनरी का इस्तेमाल करके उस वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स बना लें जिसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की जानी है। इससे पहले वैक्सीन्स बनाने के लिए सेल कल्चर में समय खपाना पड़ता था। सेल कल्चर यानी लैब में सेल्स को ग्रो करना, जो कि बहुत महंगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको बताया। तो ये सोचा गया कि न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स से लैब में वायरस या स्पाइक प्रोटीन बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, और महज किसी वायरस का जेनेटिक कोड समझकर उसके स्पाइक प्रोटीन वाले हिस्से को कोड किया जा सकता है। फिर किसी तरह उस जेनेटिक कोड के जरिए हमारी बॉडी की सेल मशीनरी से उन प्रोटीन्स को बनाया जा सकता है, और अल्टीमेटली इससे इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। तो ये है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन बनाने का अप्रोच। अब इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डीएनए के जरिए और दूसरा एमआरएनए के जरिए। 90 के दशक की शुरुआत में डीएनए वैक्सीन ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रही थी, क्योंकि जो एमआरएनए होता है वो डीएनए के मुकाबले बहुत अनस्टेबल होता है। ये देखा गया कि लैब में तैयार किया गया एमआरएनए बहुत जल्दी बिखर जाता है, तो अगर उसे लैब में बनाकर ह्यूमन सेल्स में इंजेक्ट करने के बीच ही वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस स्टेबिलिटी वाले स्कोर में डीएनए वैक्सीन्स ने बाजी मार ली और उनके ऊपर काम शुरू हुआ।
लेकिन डीएनए वैक्सीन के लिए एक बड़ी समस्या थी। वो क्या समस्या थी, इसको समझते हैं। देखिए, इंजेक्टेड डीएनए को जो बाहर से इंजेक्ट किया गया है, उसको अगर काम करना है हमारे सेल में, तो उसको दो बैरियर क्रॉस करने होंगे। एक तो ये जो सेल की बाउंड्री है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरी ये वाली बाउंड्री लाल वाली, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस की बाउंड्री, क्योंकि यहीं पे हमारा सारा डीएनए सुरक्षित रखा रहता है और यहीं से वो प्रोसेस चालू होती है। तो डीएनए से अगर हमको स्टार्ट करना है डीएनए इंजेक्ट करके, तो यहां तक पहुंचना होगा, इस एरिया तक, यहां से काम चालू होगा। अब यहीं पे अंदर ही सारा, मतलब डीएनए से एमआरएनए में तब्दील होता है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद एमआरएनए यहां से बाहर आता है और यहां पे अपना काम चालू करता है राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने का। तो ये पाया गया कि ये दो बाउंड्रीज भेदना उतना आसान नहीं है जितना कि सिर्फ इसको भेदना है। इसलिए डीएनए वैक्सीन्स मनुष्यों में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही। डीएनए वैक्सीन्स के मुकाबले एमआरएनए वैक्सीन्स जो हैं, उनको सिर्फ एक घेरा पार करना है, ये वाला जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन है, इसको पार करना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो अगर उसको काम करना है, तो एमआरएनए वैक्सीन को सिर्फ ये घेरा पार करना होता है, और यहां पे फिर वो एमआरएनए के जरिए राइबोसोम से प्रोटीन बना सकते हैं, जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये एडवांटेज था एमआरएनए वैक्सीन का डीएनए के ऊपर। इसका एक और एडवांटेज ये था कि हमारी जो मेन जेनेटिक कोड है, जो हमारी हार्ड ड्राइव है, हम नहीं चाहते कि उसमें किसी भी तरह की छेड़खानी हो। तो डीएनए वैक्सीन्स के साथ हो सकता है ये एक रिस्क रहता कि यार हमारे जीनोम में कुछ, मतलब हो सकता है गड़बड़ हो सकती थी, आई डोंट नो इस पर स्टडीज हैं या नहीं, पर ये एक खतरा हमेशा रहता है। और फिर वो जेनेटिक आगे भी चीजें ट्रांसफर हो सकती थी, तो कोई जेनेटिक एनोमली हो जाती है, उसका रिस्क भी डीएनए वैक्सीन्स में रहता। उसके मुकाबले ये बहुत सेफर ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट यहीं पे पेन ड्राइव से अपने घर पे टीवी पे वो फिल्म देख लें, ना कि हार्ड ड्राइव में कोई छेड़खानी करें। इसलिए एमआरएनए वैक्सीन्स को यहां से डीएनए के मुकाबले बढ़त हासिल हुई, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। इन सब फैक्टर्स के चलते एमआरएनए वैक्सीन्स को थोड़ा ज्यादा स्कोर मिलने लगा, लेकिन अब भी बड़ी दिक्कत बनी रही कि ये एक अनस्टेबल वैक्सीन प्लेटफॉर्म था, इसलिए मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका ज्यादा महत्व नजर नहीं आ रहा था। 1961 में एमआरएनए की खोज के बाद से ही इसे लेकर रिसर्च चल रही है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे लैब में तैयार करने के तरीकों पर काम किया, फिर कुछ ने यह समझना चाहा कि लैब में बनाए गए इस एमआरएनए को सेल्स के अंदर कैसे डिलीवर किया जाए। 1978 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक कमाल का काम किया, उन्होंने कुछ चूहे के सेल्स में सक्सेसफुली एमआरएनए डिलीवर कर दिया, साथ ही वो अपने प्रयोगों में कुछ ह्यूमन सेल्स के भीतर भी एमआरएनए पहुंचाने में सफल रहे। ये दोनों काम जिस चीज के जरिए किए गए, उसका नाम है लाइपोसोम। ये एक बबल सरी का स्ट्रक्चर होता है, जो मुख्यतः लिपिड्स से बनता है, और इसके भीतर एमआरएनए को रखकर सेल्स में डिलीवर किया जाता है। इस बबल के अंदर छोटे छोटे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी में भी कई सुधार हुए, और फिर लैब में एक और प्रयोग किया गया, और पहली बार इन विट्रो ट्रांसक्राइब एमआरएनए के जरिए कल्चर्ड सेल्स में प्रोटीन बनाया गया। ये इन विट्रो क्या है? बायोलॉजी में इन विट्रो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर की कर्म भूमि। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, इसे IVF भी कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लैब में टेस्ट ट्यूब में किया गया फर्टिलाइजेशन। जबकि एक दूसरा शब्द होता है इन विवो, इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर की कर्म भूमि। कोई काम जो जीव या उसके सेल्स के भीतर हो, वो इन विवो, और जो सेल्स या लिविंग बींग्स के बाहर हो, वो इन विट्रो। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, यानी लैब में बनाया गया एमआरएनए, और कल्चर्ड सेल्स, यानी लैब में तैयार किए गए सेल्स। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए के जरिए कल्चर्ड सेल्स में प्रोटीन तैयार किया जाना बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन इन तरीकों से एमआरएनए को जब किसी ऑर्गेनिज्म में भेजा जाता, यानी उसकी इन विवो डिलीवरी की जाती, तो अनवांटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते। आगे चलकर उन लिपिड्स में बदलाव किए गए जिनसे वो लाइपोसोम बनता है, वो बबल स्ट्रक्चर जिसके भीतर एमआरएनए को रखकर डिलीवर किया जाता है। और इस विकास क्रम में ऐसे लिपिड नैनो पार्टिकल्स तैयार हुए जिनके जरिए आज एमआरएनए की सेफ और एफिशिएंट डिलीवरी की जा सकती है। लेकिन अब तक तो हम ये डिलीवरी सिस्टम में प्रयोग और उसके सुधार की बात कर रहे हैं। दुरुस्त डिलीवरी के बावजूद सेल्स में एमआरएनए के कारण कुछ अजीब हरकतें देखने को मिल रही थी, और जब तक ऐसे पूरे प्रोसीजर में हर स्टेप सुरक्षित और एफिशिएंट नहीं बनाया जाता, तब तक इसे मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए अप्रूव नहीं किया जा सकता। ऐसी ही एक बड़ी अड़चन एमआरएनए डिलीवरी के बाद पैदा होने वाले इन्फ्लेमेशन से जुड़ी थी। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का एक हिस्सा है। जब भी हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि सिस्टम में कोई बाहरी चीज एंटर कर गई है, तो उसके रिस्पॉन्स में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, ताकि उस संभावित खतरे को एलिमिनेट किया जा सके। एमआरएनए डिलीवरी के बाद सेल्स में इन्फ्लेमेशन होना एक अनवांटेड रिस्पॉन्स था, और ये एमआरएनए के मेडिकल एप्लीकेशंस में बड़ी बाधा बन रहा था। यहाँ कहानी में एंट्री होती है 2023 के नोबेल विजेताओं की, जिन्होंने इस समस्या की जड़ को समझा और उसका समाधान निकाला। ध्यान दीजिए कि इस पूरी टेक्नोलॉजी का लब्बो लुभाव यही है कि लैब में एमआरएनए बनाकर उसे हमारे सेल्स के भीतर पहुंचाकर सेल्स की मशीनरी का इस्तेमाल करके
प्रोटीन्स को वहीं सेल्स के अंदर बनाया जा सकता है। अब चाहे वो वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स बनाने हों जो वैक्सीन की तरह काम करेंगे, या फिर वो थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स हों जिससे दूसरे मेडिकल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। 1990 के दशक में इस mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी ने कई साइंटिस्ट का ध्यान आकर्षित किया और इनमें से एक थी हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट कैटलिन करिको। कैटलिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अलग अलग प्रकार के आरएनए पर काम कर रही थी। उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि आरएनए के जरिए बेहतर थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स कैसे बनाए जा सकते हैं। साल 1997 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक और प्रोफेसर की एंट्री होती है। इन जनाब का नाम है ड्रू वाइसमैन। डॉक्टर वाइसमैन का बैकग्राउंड इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन डेवलपमेंट वाला था। वो जाने माने विशेषज्ञ एंथनी फाउची ग्रुप में HIV-1 पर काम कर रहे थे। HIV वही वायरस है जिससे जानलेवा इन्फेक्शियस बीमारी एड्स होने का खतरा होता है। डॉक्टर वाइसमैन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वैक्सीन रिसर्च के ऊपर फोकस करने लगते हैं आने के बाद। और 90 के दशक के अंत में एक ऐसा बेहतरीन संयोग होता है कि आरएनए विशेषज्ञ डॉक्टर करिको और वैक्सीन साइंटिस्ट डॉक्टर वाइसमैन एक फोटोकॉपी मशीन के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों की एक दूसरे के काम में दिलचस्पी जागती है। ये बातचीत का सिलसिला कुछ यूं चलता है कि दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। ये इम्यूनोलॉजी और आरएनए बायोकेमिस्ट्री का संगम आगे चलकर एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने वाला था। करिको और वाइसमैन ये समझना चाहते थे कि कैसे आरएनए की मदद से वैक्सीन बनाई जा सकती है। दोनों साथ मिलकर अलग अलग प्रकार के आरएनए को समझने के लिए सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और साल 2005 में एक ब्रेक थ्रू स्टडी प्रकाशित करते हैं। इनकी स्टडी को समझने के लिए हमें वापस 1990 के दशक की mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्रेस को देखना होगा और समझना होगा कि mRNA की गाड़ी आखिर कहां अटकी हुई थी। कई वैज्ञानिक धीरे धीरे इस फील्ड से पीछे खिसकते जा रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि फिलहाल इस दिशा में तरक्की नहीं हो सकती, इसके ऊपर काम करना टाइम वेस्ट करना होगा। लेकिन कुछ सनकी लोग होते हैं जिन्हें कुछ दिख रहा होता है जो पूरी दुनिया को नहीं दिखता, जिन्हें एक अजीब सा भरोसा होता है कि वो अपनी मेहनत से पर्वत हिला सकते हैं। ऐसे ही कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों में कैटलिन करिको और ड्रू वाइसमैन भी थे। जैसा कि पहले बताया, इनके सामने mRNA वैक्सीन बनाने में जो एक बड़ी दिक्कत आ रही थी वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या है कि अपने बायोलॉजिकल सेल्स बहुत शाणे होते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान काम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अपन लैब में mRNA बना लें और उसे ह्यूमन सेल्स में भेजकर सेल्स की मशीनरी का फायदा उठाकर उनसे प्रोटीन्स बनवा लेंगे। ये सोचने में आसान लगता है, करने जाओ तो एक से एक दिक्कत खड़ी होती है। ऐसा ही एक मैटर फंस रहा था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे शरीर के सुरक्षा और सुधार तंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपको जब भी कोई चोट लग जाती है तो जो सूजन आती है ना, लाल लाल सा हो जाता है, वो भी इन्फ्लेमेशन के कारण ही होता है। कई लोगों की मसल्स खिंच जाती हैं तो उन्हें क्रॉनिक पेन रहा आता है, दर्द रहता है, वो भी इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, जैसे मुझे। और हमारे शरीर में जब कोई चीज प्रवेश कर जाए तो उसके दौरान जो तकलीफ होती है वो भी इन्फ्लेमेशन ही है। इन्फ्लेमेशन शरीर द्वारा इमरजेंसी में लिए जाने वाले मेजर्स जैसा है। इसमें साइटोकिन्स जैसे कई सेल्स और दूसरे रक्षक दल हावी हो जाते हैं जिससे शरीर में बहुत तकलीफ होती है। ये रक्षक दल शरीर को बचाने के चक्कर में कई बार उल्टा शरीर को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए ये कोशिश रहती है किसी भी मेडिकल प्रोसेस में कि इन्फ्लेमेशन कम से कम रहे और शरीर में कहीं भी अनावश्यक इन्फ्लेमेशन तो बिल्कुल ना हो। mRNA टेक्नोलॉजी में कहां सीन बिगड़ रहा था, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जब लैब में बनाए गए mRNA हमारे सेल्स में डाले जाते तो सेल्स को भनक लग जाती थी कि ये mRNA अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, और इससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जा रहा था। वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ये लैब में बनाए mRNA के प्रति सेल्स का इतना तल्ख रवैया क्यों है, जबकि खुद के बनाए mRNA से तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आखिर कहीं तो कोई चूक हो रही होगी जिससे ये सेल्स इन्हें बाहरी जानकर इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। करिको और वाइसमैन ने अलग अलग टाइप के आरएनए को गहराई में समझा और उन्हें कमाल की बात पता चली। उन्हें मालूम हुआ कि ये सारी गड़बड़ आरएनए बेस मॉडिफिकेशन की गैर मौजूदगी में हो रही है। अब ये बेस मॉडिफिकेशन क्या बोला है, इसे भी समझ लेते हैं। ये आखिरी है प्रॉमिस, मतलब यही तो मेन चीज है जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। अब ये तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन ये आखिरी, ठीक है। तो बेस मॉडिफिकेशन समझ लेते हैं अपन। हमने आपको डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बारे में बताया था शुरू में, फालतू नहीं था वो। बुनियादी मॉलिक्यूल्स जिनके सहारे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, कोडिंग की भाषा में कहें तो वो 4-5 अक्षर जिनसे पूरा जेनेटिक कोड लिखा जाता है, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस। अब सीधी सी बात है कि mRNA भी इन्हीं बेसिस से बनता है। करिको और वाइसमैन ने पता किया कि लैब में mRNA बनाते हुए एक बड़ी चूक हो रही है जिससे सेल्स को इनके बाहरी होने का पता चल जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर जो mRNA बनता है उसमें कुछ बेस मॉडिफाइड होते हैं ये अक्षर,
यानी बेसिस का बुनियादी ढांचा वही रहता है, लेकिन इनमें कुछ एंजाइम्स के जरिए हल्के से बदलाव आ जाते हैं। मतलब गाड़ी का इंजन बॉडी वही है, लेकिन लाइट बदल दी, हॉर्न बदल दी, तो इसे बेस मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो कि हमारे सेल्स के अंदर नेचुरली होता है। लेकिन आर्टिफिशियली जो लैब में mRNA बनाए जा रहे थे उनमें मॉडिफिकेशन किए ही नहीं जा रहे थे। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। 2005 में वाइसमैन और करिको ने अपनी ऐतिहासिक स्टडी प्रकाशित की। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे अनमॉडिफाइड बेस वाले mRNA साइटोकिन स्टॉर्म ट्रिगर कर रहे हैं। ये भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, स्पेसिफिक है थोड़ा सा बायोलॉजी के टर्म्स। लेकिन कुछ खास मॉडिफाइड बेस वाले mRNA में ये रिस्पॉन्स गायब है। आगे चलकर उन्होंने ये भी पता किया कि मॉडिफाइड बेस वाले mRNA से न सिर्फ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स खत्म हो रहा है, बल्कि इसमें साधारण के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन हो रहा है। याद करिए, mRNA इंजेक्ट करने का मेन पर्पस ही यही था कि प्रोटीन आना है, और अगर इससे ज्यादा प्रोटीन बन रहा है तो मजे वाली बात हो गई ना। इनकी ये स्टडी बहुत क्रांतिकारी साबित हुई और इससे आगे चलकर mRNA वैक्सीन्स बनने का रास्ता साफ हुआ। आप नोबेल असेंबली का ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए, उसमें लिखा है कि इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है फॉर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट COVID-19। अब समझ में आ रहा होगा, जिनकी नजर और मेमोरी तेज है उनके दिमाग में ग्लिच आ गया होगा कि DNA की बुनियाद तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस थे, फिर ये न्यूक्लियोसाइड बेस क्यों लिखा है? ये टाइपो है क्या? नहीं, ये टाइपो नहीं है, ये स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हैं। दरअसल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बस एक फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है, और टेक्निकली ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये न्यूक्लियोसाइड्स में किए गए थे, ना कि न्यूक्लियोटाइड्स में। लेकिन अपन अब और टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे, वो एक ही है दोनों चीजें, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो इनके काम से mRNA का कोड लिखने वाले अक्षर सुधारे गए, जिससे हमारे सेल्स इन्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक समझकर जूतम पैजार पर ना उतर आए। सुल्तान, अबे रुक। जब वाइसमैन और कारिको ने अपनी स्टडी प्रकाशित की तो इसे लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में खासा उत्साह नहीं था, लेकिन 15 साल बाद जब इनके काम से लाखों करोड़ों लोगों की जान बची, तब इन्हें अपनी वेल डिजर्व्ड रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दिए गए। कारिको और वाइसमैन के काम का इम्पैक्ट भी समझ लेते हैं अपन। इन्होंने साल 2005 में अपनी स्टडी पब्लिश की थी जो मेन वाली थी, और साल 2010 तक ऐसी 3 मुख्य कंपनियां स्थापित हो चुकी थी जो उभरती हुई mRNA टेक्नोलॉजी पर फोकस करने लगी। साल 2000 में बनी क्योरवैक, साल 2008 में बनी BioNTech, और 2010 में बनी मॉडर्ना। इनमें से 2 कंपनियां BioNTech और मॉडर्ना कोविड पेंडेमिक के दौरान खासी चर्चित रही, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोविड के लिए प्रभावशाली वैक्सीन्स तैयार की जो mRNA पर ही आधारित थी। लेकिन कोविड से पहले भी mRNA वैक्सीन्स पर काम चल रहा था। पहली mRNA वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स साल 2013 में शुरू किए गए, ये रेबीज वायरस के लिए बनाई गई थी। और 2017 के आसपास mRNA वैक्सीन फील्ड तेजी से बढ़ने लगी, जीका वायरस से निपटने के लिए भी ये वैक्सीन तैयार हुई थी। लेकिन इन्हें बड़ा धक्का या भारी पुश कोविड पेंडेमिक के दौरान ही मिला आगे बढ़ने के लिए। इस दौरान mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, और इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स डिजाइन किए गए जिससे सीरीज में काम ना होकर पैरेलल में काम चला, और बहुत सारे वैज्ञानिकों व संस्थानों के सहयोग से रिकॉर्ड टाइम में कोविड वैक्सीन तैयार हुई। mRNA की स्टेबिलिटी को लेकर जो शुरुआती कंसर्न्स थे, उससे निपटने के लिए वैक्सीन को ठंडे बक्से में रखकर ट्रांसपोर्ट किया गया, ताकि कम तापमान पर mRNA स्टेबल रहे, और भी दूसरे तरीके जुगाड़ किए। बहुत सारे लोगों में अब भी वैक्सीन की एफिकेसी और सेफ्टी को लेकर चिंताएं हैं। सेफ्टी को लेकर जो चिंताएं हैं उनमें से कुछ जायज भी हैं, क्योंकि हमें इनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस का अंदाजा नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने अब भी ये बड़ी चुनौती है कि वो कैसे लोगों को इसकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करते हैं। लेकिन एक बात तय है, वो ये कि अब इस टेक्नोलॉजी के साथ महामारियों का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। कई ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनके लिए पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ मास में वैक्सीन बनाना किफायती नहीं था, लेकिन mRNA वैक्सीन्स के उदय से ये डायनेमिक्स बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा mRNA टेक्नोलॉजी से थेरेप्यूटिक प्रोटीन की डिलीवरी और कैंसर ट्रीटमेंट की दिशा में काम होगा। इससे मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति आएगी। ये mRNA टेक्नोलॉजी सूक्ष्म जगत में चल रहे भीषण युद्ध में हमारे सबसे ताकतवर अस्त्रों में से एक है, और इसी अस्त्र को बनाने के क्रम में 2 वैज्ञानिकों को 2023 का मेडिसिन नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इन 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं ड्रू वाइसमैन और कैटलिन कारिको। कैटलिन कारिको की कहानी ज्यादा हौसला देने वाली है, क्योंकि उन्हें लगातार उनके काम के लिए डिस्करेज किया जा रहा था। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उन्हें ग्रांट्स देने से नकारा गया, और आगे चलकर उन्हें डिमोट भी किया गया। फिर साल 2013 में कारिको यूनिवर्सिटी छोड़ देती हैं और वापस यूरोप लौटने का फैसला करती हैं। वहां उन्होंने जर्मनी में BioNTech नाम की कंपनी ज्वाइन की। ये वही कंपनी है जिसने फाइजर के साथ मिलकर कोविड की mRNA वैक्सीन बनाई। ये सबसे जल्दी प्रभावशाली कोविड वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों में से एक है। दूसरी का नाम आपको बता चुके हैं, मॉडर्ना।
उन्होंने भी mRNA वैक्सीन बनाई। जल्दी तैयार होने वाली इन कोविड वैक्सीन से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने का दावा किया जाता है। शायद ये कारिको और वाइसमैन के काम के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसा काम जिनके लिए उस दौरान इन्हें कोई सराहना नहीं मिली। दुनिया के दो सबसे प्रतिष्ठित जर्नल नेचर और साइंस ने भी इनकी स्टडी पब्लिश करने से मना कर दिया। इनके साथियों और संस्थानों ने इन्हें नीची निगाहों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। अब जब इनके काम की कीमत को दुनिया ने समझा, तब ये सबके चहेते हो गए। यही रिवाज है, दुनिया तुम्हारे संघर्ष को तभी पहचानती है जब तुम नतीजे से उसका ध्यान आकर्षित करते हो। एक मजे की बात और जानिए, जब 2023 के मेडिसिन नोबेल प्राइज का ऐलान हुआ, तब कारिको का पद, फंड्स और आत्मसम्मान छीनने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया भी क्रेडिट लेने की कतार में लग गई है। कितने ही तथाकथित दोस्त, करीबी और रिश्तेदार होते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने के बावजूद तुम्हारी सफलता की दावत लूटने पहुंच जाते हैं। लेकिन कितना पोएटिक जस्टिस है इस दृश्य में, जब अनेक मौकों पर नीचा दिखाने वाले लोग तुम्हें से आकर कहें, अरे हमें तो पता था इसमें कुछ अलग बात है, ये अलग है यार ये, हाँ शुरू से ही ऐसा है। यही मजा है इस मेले का। तो आप भी किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो लगे रहिए। दुनिया को अपनी सफलता की परिभाषा मत गढ़ने दीजिए, या तो फेल हो गए या तो पेल दोगे, दोनों ही परिस्थितियां यशस्वी होंगी। खैर, आगे हम 2023 के फिजिक्स और केमिस्ट्री नोबेल प्राइज डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो आने में, लेकिन तसल्ली से बात करेंगे। इस साल के साइंस नोबेल प्राइज में एक बात कॉमन है, आप देखेंगे कि ये ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिन लोगों ने, मतलब ये कोइंसिडेंस ही है, जिन लोगों ने स्मॉल स्केल पर इस दुनिया की समझ में इजाफा किया। मतलब छोटी छोटी चीजें जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी जिंदगी को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं। मेडिसिन नोबेल प्राइज में हमने सेल्स के स्तर पर चीजों को समझा, बायोलॉजिकल सेल्स। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर कुछ चीजें जानेंगे, और फिजिक्स नोबेल प्राइज में एटम के भी अंदर घुसकर हम इलेक्ट्रॉन्स पर टॉर्च मारेंगे। पिछले साल के फिजिक्स नोबेल प्राइज वाली वीडियो देखने के लिए यहाँ कहीं एक दिख रहा होगा बक्सा, उस पर क्लिक करिए, और ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो बदलेगी हवा, इस साले शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गर्माएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूं मैं, एक कच्चा घड़ा हूं मैं।